नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एजुसेशन के स्टूडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे हाथ में गैलेक्सी M20 और इसके कैमरे में कुछ फीचर्स जो मिसिंग है आपको पता होंगे। जैसे आप देख सकते हो, आप कैमरे का यूज करते हो तो बहुत सारे फोन में आजकल फिंगरप्रिंट से आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा फीचर आपको नहीं मिल जाता है। तो आप कितनी दफा भी अगर फिंगरप्रिंट पे प्रेस करते हो तो आपकी सेल्फी नहीं ली जाती। अगर आप चाहते हो कि आपकी सेल्फी ली जाए जैसे आप फिंगरप्रिंट पे क्लिक करते हो वैसे, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना जरूरी है। तो देखते हैं हम किस तरह आप फिंगरप्रिंट से अपनी सेल्फी या फोटो क्लिक कर सकते हो, तो देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसे कहते हैं फिंगरप्रिंट कैमरा शटर। आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे लिख देना फिंगरप्रिंट्स कैमरा शटर। इसके बाद आपको ये पहला ऐप दिखाई दिया जाएगा, आपको इसे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा टर्न ऑन, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे भी टर्न ऑन करना है और आप जैसे यहाँ पे जाते हो एक्सेसिबिलिटी में तो आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा फिंगरप्रिंट कैमरा शटर सर्विसेज में, तो इसको ये ऑफ होगा, इसको आपको ऑन करना है, ओके करना है, इसके बाद नेक्स्ट करना है और कैमरा चूज कैमरा करना है, कैमरा को सिलेक्ट करना है और आपको देखना है जो शटर होगा यहाँ पे होगा, तो इस लोकेटर को आपको यहाँ पे लेके आना है। और इतना हो जाने के बाद शटर मतलब आपका कैमरा शटर कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा उसको और इसके बाद आपको ओके करना है। तो आप देख सकते हो अभी अगर मैं फिंगरप्रिंट प्रेस करता हूं तो मेरी फोटो ली जाती है। देख सकते हो मेरी फोटो आ चुकी है, तो मैं क्लिक कर रहा हूं, फोटो आ गई है। आप देख सकते हो मैं क्लिक कर रहा हूं, फोटो आ चुकी है, फोटो आ चुकी है। तो कितनी भी बार आप जैसे जैसे क्लिक करते हो आपकी फोटो ली जाती है, तो आपको फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है, आपकी फोटो क्लिक हो जाती है। तो आप देख सकते हो जो भी सारी चीजें है, फोटोज है, आपको यहाँ पे दिखने मिल जाती है। तो आप ये कर सकते हो, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है और जो मैंने प्रोसीजर बताया है उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है और इसके बाद आप अपनी सेल्फी फिंगरप्रिंट का यूज करते हुए ले सकते हो बड़ी आसानी से। तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको कोई सवाल हो इस वीडियो के बारे में, कोई फीचर के बारे में, अगर कोई भी सवाल हो गैलेक्सी M20 के बारे में, तो आप हमें इस वीडियो में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।